हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज है, वैसे तो आज है 12th of April, बट मैं आज आपको कुछ नई चीजें दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये वाली वीडियो मैंने, ये जो चीज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ 6 महीने पहले, क्योंकि जब वो पैडी का सीजन था, पैडी के सीजन में कंबाइन से हमने जो राइस था वो निकलवाया था। लेकिन आज हमने विसाखी से एक दिन दो दिन पहले, मतलब हमारी जो फसल थी वो हमने पहले ही निकलवा ली थी। और आज है 12th of April, not August। तो वही मशीन जो थी पहले, उसी मशीन ने यहाँ पर आके मतलब काम जो किया है, उसी का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो मशीन आपने पहले देखी है, पैडी के जब सीजन था तब। अब वीट के सीजन में वही मशीन लगी हुई है, किस तरह से चलती है। साउंड आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको पीछे का भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो हो रही, जूम कर दूं? यस। अरे होगी नहीं तो अच्छा। तो ये जो मशीन है इसको कंबाइन बोलते हैं। ये पूरे एक एकड़ का ये जितना भी वीट है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो चलिए, कुछ कल की क्लिप्स हैं, कुछ आज की क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स को बना के मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है, और इसको देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल तो आप क्लिप्स देखिए, फिर उसके बाद कुछ और भी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग।
ये अभी शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है और हमने जो कल जो राइस का जो था वीट का जो था वो हमने कल सुबह 10-11 बजे ही निकलवा लिया था। मतलब सुबह 8 बजे मशीन लगी थी और दो तीन घंटे लग गए थे, बीच में इसको ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि सही से चल नहीं रही थी। तो इस तरह से ये मशीन वर्क करती है, देख लो। कुछ क्लिप्स कल की भी हैं, कुछ आज की भी हैं, दोनों को कंबाइन मैंने बनाया, इसको देख लो आप। ये देखो मशीन के ना यहाँ पे कितनी धूल उड़ती है क्योंकि छोटा छोटा डस्ट उड़ता है यहाँ पे। ये जो बचा हुआ रेजिड्यू है ना, इसको भी यूटिलाइज किया जाता है। इसको एक रिपर नाम की एक डिवाइस आती है जिससे इसके रेजिड्यू से तूड़ी बनाई जाती है और वो तूड़ी पता नहीं कितनी निकलती है, आई डोंट नो, मैंने पूछी भी नहीं है। जो निकलेगी तो उसी हिसाब से उसका मतलब खेतों में फिर उसको कुप बना के, कुप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कुप क्या होता है, लेकिन जब ये बनेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये चीज़ें मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। तो जो ये जो रेजिड्यू आप देख रहे हो, ये वाला ये रेजिड्यू जो रिपर आएगा कल नहीं तो परसों जब भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि उस रिपर से तूड़ी बनती है और वो बिक भी जाती है, बहुत सारी बिकती है और बाहर भी जाती है, और तूड़ी से काफ़ी चीज़ें भी बनती हैं।
ये देखो पीछे सारा वो ट्रैक्टर खड़ा, उसके बीच में उस ट्रैक्टर के बीच में जितने दाने निकलेंगे वीट के दाने होंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। आई होप आपने ये छोटा सा वीडियो एंजॉय किया होगा। वैसे इसमें कुछ ज्यादा दिखाने लायक है नहीं, ऐसे बोर हो जाएंगे आप लोग अगर ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो, क्योंकि ज्यादा छोटी वीडियोज होंगी तो आपको उतनी इंटरेस्टिंग लगेंगी, जितनी बड़ी होंगी तो उतनी ही बोरिंग हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए नया जरूर लेके आऊंगा। और ज्यादातर वैसे खेती के जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल ही देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान।